आ रही है सरकार बढ़िया कंपनी लाऊंगा। कौन सी लाएगा? डिजाइनिंग। ये डिजाइनिंग ये कौन सी चली है? अरे बहुत डिजाइन। कौन है? मैकडॉवेल। ओ, हम नाम नहीं जानते, पीना जानते हैं। पीना जानते हो? थोतना चलाना जानते हो? लो है, पीना बहुत जानते हैं। न दारू का नाम नहीं जाना था, इतने बड़े गुंडा है। हम तो सीधे महुआ की। चलो तो महुआ के यार सरकार के पास ले चलता हूँ। कौन सी कंपनियां दे दिया है? आहा, सुगम नीर, सुगम नीर आया दे दिया है। कहीं ऐसा ना हो इसमें नशा ना हो। नशा नहीं होगा तो सरकार मुझको बहुत रगड़ेगा। क्या करूं? पहले मैं ही चढ़ा के देखता हूँ। नशा होगा तो सरकार के पास ले जाएगा, नशा नहीं होगा तो यही फेंक के चला जाएगा। चलो खोलो ढक्कन, खोलो। नहीं खोला दिया है। आप भैया आज मोमोर छूट जाते दूसर पकड़ जाते। भोग लगाओ आगे वाले देवतन का। पाछे वाले देवतन का, बगल वाले देवतन का। अब वो उधर आई, ऊपर वाले का कर दो, नीचे वाले का कर दो। अब सबको हो गया। अब ये बचो बीच वाले देवता। चलो रगड़ो, पहले कुल्ला करो। टाइट यार। चलो अब पियो। कम से कम जितने लेते हो नर्क बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। अरे संभाल लेना, सबको एक एक क्वार्टर धसा दूंगा, कोई नहीं बचेगा जो सो रहा होगा। यूट्यूबर तुम भी बगत गए, तुम लोग भी पसर गए जंगल में, मंगल कर रहे थे तब भी गिर गए। कोई बात नहीं। दारू बहुत अच्छी है। दारू बनाने में पीने में चार फायदा। नंबर एक, दारू पी लो चाहे जिसको गाली दे दो। कम से कम अब तो कुछ लोग बैठ गए हो, बहुत बढ़िया है। ये किसमिस से भी ज्यादा तेज होती है, बादाम से भी ज्यादा महंगी होती है, काजू से भी ज्यादा ताकतदार होती है। इसलिए न काजू खाओ न किसमिस खाओ, कुछ नहीं, दूध में इसको मिलाओ और सवेरे शाम खूब रगड़ो, अच्छी सेहत बन जाएगी। तुम्हारे घर का लड़का तुरंत फौज में निकल जाएगा। बहुत अच्छी है दारू। दारू पीने में चार फायदा है। नंबर एक, दारू पी लो चाहे इसको गाली दे दो। लोग कहेंगे जाने दो यार, दरुआ है, कोई नहीं मारेगा। नंबर दूसरा, दारू पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। क्यों? क्योंकि कुत्ता समझ जाता है मेरा भाई बंद हुआ जा रहा है। नंबर तीसरा, दारू पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि दारू पीते पीते उसके जेब में पैसे नहीं बचता। नंबर चौथा, दारू पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दारू पीते पीते वो बीचे में खत्म हो जाते। पहले दारू बना कैसे बनाई जाती है हम बताता हूँ दारू कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले बुढ़न के खखार निकाल के,
कौन वाले बुड्ढन के? जिसको कोरोना हो उसके खखार निकाल के हेमा मिलाओ जात है, और छोटे छोटे लड़कन के गुजी निकाल के हेमा घोटा लगाओ जात है, और गाय के बछड़ा का चिरकन निकाल के अच्छी तरह से मिलाओ जात है, सब जाकर के दरूप पहुंच जात है। बहुत अच्छी है, दारू एक पैक और रगड़ दियो। कौन बजा? सोते हुए आदमी को जगा दिया? ओ नहीं, कोई रो रहा है लगता है। काबर, हम नशे में सूर थे लेकिन ये आवाज कहां से आ रही रोने की? कहां से? भीतर से आ रही होगी। और अरे? आप हैं MLB अंबेडकर आवासीय विद्यालय राठ, प्रोप्राइटर श्री सनी सरजी धगवा वालों की ओर से, और श्री सुख सिंह जी सिमरधा से, श्री शैलेंद्र परिहार जी डिपो ड्राइवर, और भूपेंद्र राजपूत जी उर्फ नन्ना जी अमरपुरा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं हमारे सभी कलाकारों के लिए। धन्यवाद। जाओ पता करो ये कौन रो रहा है, किसी नारी की आवाज है? बातें ना बनाना। अरे सरकार, ये नारी की नहीं आवाज है। किसी उजड़ी हुई भैंस की है। हम जो कहते हैं पता करो, बलम जाकर कौन रोने वाले? बहुत चतुराती भैया, तुम्हारी बुआ हूँ सुपनखा। ओ बुआ, भैया के पास जाओ। ये कहाँ खुदवाई कुआ? कहने ना तुम्हारी बहन सुपनखा आना चाहती है, जाओ। मोरे अपना लेगा हूँ। हैं? कौन है? ओ रोने वाली? मुझे नहीं पता। आपकी बहन? आपकी बहन? हमारी बहन सुपनखा, उसे लेकर दरबार में आदर पूर्वक आ जा। अरे मोरे खदूषण भैया। बहन ये क्या देख रहे हैं हम? तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है, हम जानना चाहते हैं ये नाक कटा नकटी हो आई, ये चेहरा लहू लुहान हुआ, बतला मेरी है बहना ये कैसे तेरा हाल हुआ, ये बदगुमानी किसने की, ये किसका जमाना फिर गया, ये कौन से कमबख्त का खेमा गजा का गिर गया। भैया अपने पंचवटी में दो तपस्वी राजकुमार आए हुए हैं, इनके साथ में एक नारी है, जैसे भैया गई उधर में उस नारी को देखा, सोचा जाकर के उससे परिचय पूछ लूं। जैसे ही परिचय पूछने के लिए गई उस नारी के पास, उस छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान काट ली। भैया तुम्हें बतला देना चाहिए कि हम महाराज रावण की प्यारी बहना है। बताया था खरदूषण भैया, तुम्हारा भी नाम लिया था। डरे नहीं? नहीं भैया, उन्होंने बहुत गालियां दी हैं आपको। बहुत गालियां दी है? हाँ हाँ। तो फिर बचेंगे नहीं वो? चलो चलो। सुपनखा आगे कर ली, अशुभ रूप से दुनासा ही नी, मारो देख राम मेरी पूतल चलियावा, बेस कठिन को दंडे चढ़ावा। घेरो जाने ना पाए पकड़ो। और आप हैं पुनः MLB अंबेडकर आवासीय विद्यालय राठ, प्रोप्राइटर श्री सनी सरजी धगवा वाले, सुख सिंह जी सिमरधा से, और शैलेंद्र परिहार जी डिपो ड्राइवर, व भूपेंद्र राजपूत नन्ना जी अमरपुरा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं मंच के सभी कलाकारों के लिए प्रदान है, और श्री उत्तम सिंह जी राजपूत दुकानदार 51 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। बहना भैया कहाँ है वो तपस्वी? छुप गया होगा कहीं। अरे हमारे सामने अच्छे अच्छे डर जाते हैं, पर इस तपस्वी की क्या मजाल। सेवक
जाओ ढूंढ कर लाओ। अरे तू हमारा सबसे हंसमुख सेवक। अच्छा मतलब नहीं नहीं मिला था तो मैं वो कच्चा। बहन तुम जाओ और जाकर के सुखेड़ बैठ से अपना उपचार कराओ, बाकी हम निपटेंगे। कहा है तपस्वी ये जद्दप हमें लग रहा है, भले ही इसने बहन की नाक काटी है लेकिन बद लायक नहीं, पुरुष अनुपा ये बद के योग्य नहीं, उसको मारो नहीं ना। हाँ इसके पास एक सूचना पहुंचा दे, इसको जीवन दान दे सकते हैं। ए राज सेवक तुम जाओ और जाकर के तपस्वी से कहो कि तुम्हारी जो पत्नी है जहाँ छुपा रखी है उस पत्नी को हमारे महाराज को दे दो और अस्त्र शस्त्र छोड़ करके पंचवटी से निकल करके वापस चले जाएं, हम क्षमा कर देंगे, अन्यथा युद्ध होगा। जाओ हमारा संदेशा पहुंचाओ। मारो काटो जाओ मैं। बताओ उनके पास भेज रहे हैं वो कटर मशीन है, अगर मैं जगह गए तो मारने दिए। मैं देख रहा हूं सरकार मेरे सामने से 14,000 सेना मेरे सामने आ रही है मुझसे लड़ने के लिए। देखिए महाराज खदूषण ने देखा कि जो सामने वाले व्यक्तित्व तो हैं भगवान ने उन्हें बहुत सुंदरता दी है और सुंदरता को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। क्यों महाराज, अगर आप इनको मार देंगे तो सुंदरता संसार से चली जाएगी, एक बार भेज दीजिए दूत को। इसलिए हमने दूत को भेजा था। हाँ, भेज दीजिए। बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, ये बद के योग्य नहीं है। जा राज सेवक एक दिन यार जाते फिर लौटा लिया। अरे ये कटर मशीन है बुआ के नाक कान का, ये तुम क्या कर रहे हो? अपन नाक छुपा रहा हूँ। लेकिन क्यों छुपा रहे हो? इसलिए कि हमारे जंगल में आतंकवादी घुस गए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो नारियों के साथ में सटर पटर कर रहे थे। नारियों के साथ में कर रहे हैं? हाँ। तुम नारी हो क्या? हाँ ये बात तो सही है, ऊपर कर लियो। आप कहाँ से हैं? हमारा पर्चे पूछने वाले तुम कौन हो? मैं एक एंगल और वाला और लगा था कटवा है तुम आना सुझा ये पकड़ा दिया। और यार आज तो खतरे में है गुरु। क्यों? तुम कौन हो? मैं अपना पूर्ण परिचय बताओ। मैं पप्पू का बाप। अब पप्पू एक तो है नहीं, ऐसा बोलोगे तो फिर दिन में परेशान रहते हो। क्यों पप्पू एक नहीं है? हाँ हाँ ये बात तो सही है, एक पप्पू नहीं है, पप्पू तो चार हैं ये बीच में। तुम किसके पिता हो? एक पप्पू नहीं है, देखो एक को कहते हैं शान सिंह पप्पू, एक को कहते हैं एक पप्पू पप्पू है और एक आचार्य जी पप्पू, तीन तीन लोग हैं और मैं उनके चिलांडू। अभी तो तुम पिताजी कह रहे थे। तो वही तो आप पिताजी के चलो ये सब छोड़ो। अच्छा ये तुम हमारे पास में क्यों आए हो? अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर एक लकड़बग्घी आई थी। ये क्या है? लकड़बग्घी नहीं जानता है ना? हम नहीं जानते। लड़की यहाँ पर आई थी? लड़की तो आई थी। हाँ क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? हाँ हमसे तो ये कहो कि क्या ना कह रही थी। क्या ना कह रही थी वो कोई बात नहीं है, हमारे सरकार ने हमको भेजा है। कौन सरकार? हमारे सरकार है खरदू सर तीसरा। तो उन्होंने हमारे पास में क्यों भेजा है? हाँ इसलिए भेजा कि वो कांगे तुम्हारा छोटा भाई क्या नाम है उसका ला सरपा सर है, जब उसके डिग्री प्राप्त नहीं है तो हमारे बुआ का ऑपरेशन कैसे कर दिया। किस बुआ की बात कर रहे हो तुम? यहाँ पर एक सूप नखा आई थी। सूप नखा तो आई थी, तो उनके नाक कान काटे हैं आपने? हाँ क्यों काटे? ये तो तुम्हारी बुआ ने बताया होगा ना। बता रही थी कि मैं तो नारी से मिलने गई थी, इतने में सटर पटर कट जाता और तुमने मान लिया। अब कहे अब औरतन की तो सबको मानत है। लेकिन समझना चाहिए तुम्हें। क्या जैसे
तुम हमारे पास में आए और हमसे बात कर रहे हो, हमने तुम्हारे साथ में कोई अभद्रता की क्या? बात में दम है। और फिर नारी के साथ में हम क्यों करेंगे? नहीं कर सकते हो है? नारी हमारे पास में आई थी, हमारी नारी से मिलने के लिए नहीं आई थी। कहे के लिए आई थी? अपनी शादी करवाने के लिए आई थी। शादी किससे? तुमसे? हमसे। अच्छा, तुमसे शादी करवाना चाहती? अब प्रेम से नहीं, आए जबरदस्ती। खिनास हुई जा, हल मर जा, तोर बुरा हो जा, हर जाएगी। खिनास हुई जा कहती, मैं तो नारी से मिलने गई थी, ये ना बता रही थी कि नारद से मिलने। नहीं ठीक ही ना हुआ, ठीक ही है जो ना कन काट डाले। मेरी जगह तुम होते क्या कहते? अगर मैं तुम्हारी जगह होते हूँ तो खिडाड़ी मुझ बना डरते हूँ तो उससे क्या होता है? उसके खपरी के बाल बना देता, इससे ये होता कि सूपनगर जैसी नारियां न पैदा होती, मतलब बेविचार बंद हो जाता। हाँ, और हमारी सरकार ने इसीलिए भेजा है। क्या कहा तुम्हारी सरकार ने? हमारी सरकार ने कहा है कि आपने उनकी बहन के नाक कान काटे, इसके वजह में आप धनुष बाण रख दें, अपनी भार्य को छोड़ दें, यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, वरना युद्ध होगा। समाचार समाप्त हुए। किससे युद्ध होगा? खरदूसर से। तुमसे तो नहीं? हाँ, मैं 14,000 में कौन हूँ? क्या 14,000 में है ही नहीं हूँ। तो जाओ मेरा भी संदेशा कह देना। क्या? कि हम तो छत्री है, तुम्हारे जैसे निशाचरों को खोज खोज करके मारते हैं। हमारे जैसों को नहीं। तुम्हारी सरकार क्या है तुम जानते हो? क्या है? खर। खर, खर माने कहता। हाँ, तुम्हारा सरकार खर है, मृगा है, कायर है। अरे वो हमसे युद्ध क्या करेगा? अरे तो ये खर है, गदा है, मृगा है, ये टीटर बटेरा। तो उसे कह दो कि अगर उसकी भुजा में बल हो तो हमसे लड़ने के लिए हमारे सामने आ जाए, नहीं तो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके यहाँ से भाग जाए। ठीक है गदा। अरे गदा, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारे सरकार के भुजाओं में दम हो तो युद्ध के लिए आ जाए, वरना वापस चले जाए। तो चलो आक्रमण, आक्रमण। सेना बहुत विशाल लेकर के मेरे सामने आया है। मैं अपने सम्मोहन बाण का प्रहार कर रहा, जिससे ये सेना आपस में ही लड़कर के समस्त मर जाएगी। निशाचरो, तुम सब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। आम राम कही तनु तजही, पापही पद निर्वाण। उपाय कुमारे छद महु कृपा निधान। राम जी ने एक ही बाण का प्रयोग किया। मैंने सबको पसार दिया। तुमने अब बचा मैं अकेला। कमेटी वालों चाय बना के रखो, नहीं मैं उमरत हूं। चलो तो फिर भीतर में चलो। देखिए, राम जी ने एक ही बाण का प्रयोग किया जिसका नाम था सम्मोहन बाण, और सम्मोहन बाण का ऐसा प्रभाव हुआ कि जब भी राक्षस एक दूसरों को आपस में देख रहे थे तो सब में राम नजर आने लगे, और यही कारण हुआ कि 14,000 सैनिक आपस में ही लड़कर के मर गए, आपस में ही मरे हैं।